डॉक्टर बी आर सी ने इमरजेंसी मेडिकल प्रोटोकॉल POEM किताब का अनावरण किया। नई दिल्ली 22 अप्रैल 2024 डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, आचार्य मनीष एवं सुनील ने आज नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुप्रतीक्षित हिम्स मेडिकल एकेडमिक के शुभारंभ की घोषणा की। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर एकेडमिक के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का अनावरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर बी आर सी की 31वीं पुस्तक POEM का विमोचन भी किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर बी आर सी ने कहा, HMA भारत का पहला व एकमात्र संस्थान है जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ता है। 2021 को हिम्स की शुरुआत की थी भारत में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, यह उसका नाम था हिम्स। हम लोगों ने हॉस्पिटल चलाया 2.5 साल, तो हमें लगा कि हॉस्पिटल चलाने से, पेशेंट को ठीक करने से अच्छा लोगों को एजुकेट करें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम हॉस्पिटल खोलते जाएंगे तो पूरे भारत में बीमार बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर मेडिकल एजुकेशन शुरू कर देंगे तो हम पूरे भारत में लोगों को स्वस्थ बनाएंगे। तो हम सब ने मिलकर पहला पुणे के अंदर हमने BNYS कोर्स लॉन्च किया जो 4.5 साल का है, और ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जो 1 घंटे से शुरू होता है। मतलब एक आम आदमी के लिए भी कोर्स है, एक गृहिणी के लिए भी कोर्स है, एक बच्चे के लिए भी कोर्स है, एक बड़े के लिए भी कोर्स है। और उस कोर्स का फ़ायदा क्या है कि इंसान कभी बीमार पड़े ही ना, और पड़े तो अपना डॉक्टर खुद बन जाए, यानी कि हम हॉस्पिटल जाने ही ना दे किसी को। अभी हो क्या रहा है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनका लाखों रुपये लग रहा है, फिर गरीब हो रहे हैं, फिर कर्जा ले रहे हैं, फिर सोना बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं और इलाज करा रहे हैं, और मतलब बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको ट्रेनिंग दे दें, एजुकेट कर दें, जिसके लिए आज हमने ये हिम्स मेडिकल एकेडमी की घोषणा की है। हिम्स मेडिकल एकेडमी का एक ही नारा है कि हमने मेडिकल एजुकेशन सिखानी है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं सिखाना। अगर जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं वो एजुकेट हैं अपने आप ही नेचर से, वो बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल नहीं जाते, वो अपने आप नॉर्मल बच्चे पैदा करते हैं, अपने आप घायल होते हैं जीभ से चाट चाट के ठीक कर लेते हैं, उनको कोई फीवर आता है वो खाना छोड़ देते हैं, उपवास कर लेते हैं। आप लोगों ने भी तो कुत्ता बिल्ली बंदर सब पाले है ना, तो हमारा एक ही मकसद है कि हम पूरे भारत को एजुकेट करें, उनको नर्चर करें और उनको इतना ट्रेंड कर दें कि हॉस्पिटल खाली हो जाएं। डॉक्टर सुनील जी। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर सुनील सवान है और मैं डॉक्टर BRC का पिछले 10 साल से फॉलोअर हूँ, इज माई मेंटर, और मनीष आचार्य जी का। हाँ जी, 5.5 साल पहले हम लोग ने चवान फाउंडेशन रिसर्च सेंटर और चवान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को चालू किया था। 125 बच्चे हमारे पास, 125 बच्चे हमारे पास पिछले 5 साल से BNYS कोर्स पढ़ा रहे हैं, और इस बच्चों को हम लोग डॉक्टर BRC के जो प्रोटोकॉल्स हैं, नाइस प्रोटोकॉल है, फिर से जीरो होल थेरेपी है, डीप डाइट है, ग्रेड सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। पिछले 5 साल से हम बच्चों को वही पढ़ाते हैं। इसका बेनिफिट हो गया कि 4th ईयर के बच्चे, वो कैंसर कैसा रिवर्स करना है, Type 2 डायबिटीज़ हो, Type 1 डायबिटीज़ हो, डीप डाइट से कैसे करना है, ये सब सीख चुके हैं। और इसकी पहली बैच 18 बच्चों की बैच जून में पास आउट हो रही है सनराइज यूनिवर्सिटी से, और इनको हम लोग ने एडवांस में इनकी जून पास आउट होने से पहले उनको हिम्स मेडिकल एकेडमी की तरफ से इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हैं। थैंक यू।